हेलो एवरीवन, हम लोग यहाँ सीखने जा रहे हैं केस या कारक। सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन के दूसरे शब्दों के साथ संबंध को केस कहते हैं। कोई भी सेंटेंस है और उस सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन का, सेंटेंस में जो नाउन हो या प्रोनाउन, यानी कहने का अर्थ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जो होता है वह या तो नाउन होगा और नहीं तो नाउन के बदले में उपयोग किया जाने वाला प्रोनाउन होगा। ये दो ही सब्जेक्ट रहेंगे। तो इस सब्जेक्ट का सेंटेंस में दूसरे शब्दों के साथ क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, उसी रिलेशन को हम लोग केस कहते हैं। और केस जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। तीनों केस का अध्ययन यहां हम लोग करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले नॉमिनेटिव केस, सबसे पहला हमारा है नॉमिनेटिव केस। हम लोग जानते हैं कि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है, उसी तरह सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता का रहना भी अनिवार्य है। एक सेंटेंस में सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब उसमें सब्जेक्ट हो और सब्जेक्ट के बाद वर्ब जरूर हो। बिना वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होता है और बिना सब्जेक्ट का भी कोई सेंटेंस नहीं होता है, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता का रहना अनिवार्य है। सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता, कर्ता हिंदी रूप है सब्जेक्ट का। जब किसी के बारे में कुछ कहा जाता है तभी हम सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। किसी सेंटेंस में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जब किसी के बारे में कुछ कहा जाए, किसी के बारे में कुछ भी कहा जाए, तब हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, एक सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं और उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का होना अनिवार्य है, है ना। कुछ भी कहना हो हमें तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस बोलते हैं और उस सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना अनिवार्य होता है। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में वर्ब के पहले रहता है। जो शब्द वाक्य का सब्जेक्ट है वह नॉमिनेटिव केस कर्ता कारक है, अर्थात नॉमिनेटिव केस वर्ब के पहले आता है, बाद में नहीं। अब ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट में आपको क्या, सब्जेक्ट जो है किसी भी सेंटेंस का मेन थिंग है और सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होते हैं वह हमेशा वर्ब के पहले रहते हैं। वर्ब के पहले क्या रहेंगे, सब्जेक्ट, यानी कि पहले सब्जेक्ट रहेगा उसके बाद वर्ब आते हैं सेंटेंस में, और वो जो सब्जेक्ट है वही नॉमिनेटिव केस है और सब्जेक्ट को ही हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नॉमिनेटिव केस वर्ब के पहले आता है, बाद में नहीं। ये ध्यान देंगे कि नॉमिनेटिव केस जो है वह वर्ब के क्या आता है, पहले आता है, बाद में नहीं आता है। क्लियर है। और नॉमिनेटिव केस कौन होता है, नॉमिनेटिव केस किसी भी सेंटेंस में कौन होता है, सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट को ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। देखिए मैं दो एग्जाम्पल देता हूं। पहला एग्जाम्पल हमारा है रवि थ्रू अ स्टोन और दूसरा है द हॉर्स किक्ड द बॉय। फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान से लीजिए। देखिए रवि क्या है भाई, रवि क्या कर रहा है, थ्रू, रवि जो है आपका क्या है, सब्जेक्ट है और थ्रू ये क्या है, वर्ब है, है ना। रवि थ्रू सब्जेक्ट है और वर्ब है। इस सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है, रवि के बारे में। तो रवि हमारा सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट। जो वर्ब थ्रू के पहले आया है अर्थात इसका मतलब क्या हो गया कि यही रवि जो है हमारा नॉमिनेटिव केस में है। इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड नॉमिनेटिव केस में है, तो कौन है, रवि। अब सेकंड सेंटेंस देखिए,
द हॉर्स किक्ड द बॉय। अब यहां पहचानिए कि कौन सा सेंटेंस जो है नॉमिनेटिव केस में है। तो मैंने बताया ना, सबसे पहले फाइंड कीजिए कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट कौन है, द हॉर्स। हॉर्स जो है वो सब्जेक्ट है और किक्ड वर्ब है, वर्ब के पहले ही सब्जेक्ट रहता है। और सब्जेक्ट क्या होता है नॉमिनेटिव केस में, यानी नॉमिनेटिव केस में कौन हो गया आपका, द हॉर्स। जो काम करता हो, जो काम करेगा, जो वर्क करेगा, वही सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो वर्क करेगा। तो इसमें काम कौन कर रहा है, हॉर्स। किक कौन किया, द हॉर्स किक्ड। किसने किक किया, तो हॉर्स ने, इस लड़के ने नहीं, हॉर्स ने किक किया। इसलिए तो हॉर्स के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए हॉर्स सब्जेक्ट है। अतः यह सब्जेक्ट ही नॉमिनेटिव केस है। क्लियर। तो आप पहचान लिए कि नॉमिनेटिव केस कैसे है। तो अब अगला सवाल आता है हमारे मन में कि ये अ स्टोन क्या है और ये द बॉय क्या है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ये दोनों क्या है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव केस। जो ऑब्जेक्ट होता है वह ऑब्जेक्टिव केस में होता है। क्लियर। चलिए देखते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव केस। केस तीन रूप के हैं, से हैं, तीन प्रकार के हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस देख रहे हैं। तो रवि थ्रू अ स्टोन, और इस सेंटेंस में हम लोग देख रहे हैं कि रवि ने कुछ थ्रो किया है, रवि थ्रू, रवि ने फेंका है। तो हमारे मन में एक सवाल आया कि वह क्या थ्रो किया, व्हाट थ्रू, व्हाट थ्रू रवि। सवाल कीजिए कि रवि ने क्या फेंका, तो आपका जवाब आएगा, योर आंसर इज अ स्टोन। यही ए स्टोन जो है ऑब्जेक्ट है और यह आपका ऑब्जेक्टिव केस में है। क्लियर, ऑब्जेक्टिव केस पहचानने का तरीका। और ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है और यह किसके बाद है, वर्ब के बाद है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट हमारा नॉमिनेटिव केस हो गया, ऑब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्टिव केस हो गया। सेकंड एग्जांपल देखिए, द हॉर्स किक्ड द बॉय। तो अब सवाल उठता है, व्हाट किक्ड द हॉर्स, हॉर्स ने क्या किक किया। तो हॉर्स ने द बॉय को किक किया, द हॉर्स किक्ड द बॉय, हॉर्स ने बॉय को किक किया। यानी द बॉय जो है वह इस सेंटेंस का क्या है, ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्टिव केस जो है किक्ड क्या है, वर्ब, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्टिव केस होता है। यानी इंग्लिश में जो संरचना होती है वो कैसे होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब रहेगा और वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट को हम लोग दूसरा नाम दिए हुए हैं क्या, नॉमिनेटिव केस में है, और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा किस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है। क्लियर। ऑब्जेक्ट हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। साथ साथ आपको यह भी जान लेना चाहिए कि प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वह भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है। कैसे, आप यह भी जान लीजिए कि प्रीपोजिशन के बाद भी, वर्ब के बाद तो रहता है वो तो है ऑब्जेक्टिव केस, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद भी अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आए तो वह भी ऑब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं, राम गैव अ पेन टू मी। अब आप यहां पर देखिए, सबसे पहला राम जो है वो क्या है, सब्जेक्ट। क्लियर। तो ये किस में हो गया, नॉमिनेटिव केस में। उसके बाद गैब क्या है, वर्ब। क्लियर। अब सवाल हम पूछते हैं, व्हाट गैब, क्या दिया,
तो ए पेन, तो ए पेन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, या कहिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्टिव केस। और टू के बाद जो मी है यह भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। प्रीपोजिशन के बाद मी है तो वह भी हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरी बात, एक चीज और नोट करने का है कि नॉमिनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ये दोनों का दोनों हमेशा क्या रहेगा, या तो नाउन रहेगा या प्रोनाउन, वो एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन नहीं रहेगा। ये ध्यान देंगे कि नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही रहते हैं। अब आप इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस यह और ऑब्जेक्टिव केस यह, है ना, एक प्रीपोजिशन के पहले है और दूसरा प्रीपोजिशन के बाद है। तो इस आधार पर हम लोग ऑब्जेक्टिव केस दो तरह के होते हैं यह कह सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव केस जो है वह दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा एक्यूसेटिव ऑब्जेक्टिव केस और दूसरा है हमारा डेटिव ऑब्जेक्टिव केस। दो तरह के ऑब्जेक्टिव केस है, एक एक्यूसेटिव और दूसरा डेटिव। कभी कभी वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्टिव रहते हैं अर्थात दो ऑब्जेक्टिव केस, जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल में हम देखें। इन दो ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, यदि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हो, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूसेटिव केस में रखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो एक्यूसेटिव केस में रहता है और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट रहेगा, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा वो हमारा डेटिव केस में रहता है। ठीक है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग कहेंगे डेटिव केस का ऑब्जेक्ट और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा उसको कहेंगे एक्यूसेटिव ऑब्जेक्ट केस। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है। तो जो व्हाट का सवाल दे जवाब दे, व्हाट का जो जवाब देता है वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और जो बच गया वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आइए इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। एक एग्जाम्पल देखिए, ही गैव मी अ बुक, ही गैव मी अ बुक। तो अब आप मेरे को बताइए ही कौन सा केस में है, नॉमिनेटिव की ऑब्जेक्टिव। नॉमिनेटिव केस में है, क्यों है, क्योंकि यह वर्ब गैव के पहले है। ठीक है, वर्ब गैव के पहले है इसलिए यह हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। ही गैव और मी अ बुक, और ही गैव मी अ बुक और इस वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट है मी, है ना, गैव मी यानी मुझे, एक ऑब्जेक्ट हो गया मी और दूसरा अ बुक एक किताब। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट है, एक मी और दूसरा अ बुक। अब आपको मन में सवाल आया कि दो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ है, एक मी भी ऑब्जेक्टिव केस में और ए बुक भी। तो हमने तो बताया कि दो तरह के ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, एक होता है क्या, एक्यूसेटिव, एक्यूसेटिव ऑब्जेक्टिव केस और दूसरा क्या है, डेटिव ऑब्जेक्टिव केस। अब आपके मन में सवाल है कि कौन एक्यूसेटिव है और कौन डेटिव है। तो हमने कहा था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए वर्ब के साथ एक प्रश्न पूछा जाता है, व्हाट क्या, व्हाट क्या, है ना, एक सवाल हम लोग पूछेंगे व्हाट, और जो जवाब मिले वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर जो जवाब दिया, अगर जवाब हमारा जो दिया वही हमारा क्या है, व्हाट का जो रिप्लाई देगा वही हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, यानी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और वो है एक्यूसेटिव ऑब्जेक्टिव केस। तो हम लोग सवाल करते हैं व्हाट गैप, पूछे व्हाट गैप, क्या दिया, तो जवाब आया अ बुक, है ना, जवाब क्या आएगा,
बुक। तो हमारा अ बुक क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इसलिए अ बुक हमारा एक्विजिटिव केस हो गया। अब जो बच गया वो हमारा क्या बचा, मी। तो ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसलिए यह रहेगा हमारे को डेटिव केस में। क्लियर, एक्यूसेटिव और डेटिव ऑब्जेक्टिव केस। अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, व्हाट सवाल कीजिए, व्हाट का जो जवाब दिया वो एक्यूसेटिव और जो बच गया वह आपका डेटिव ऑब्जेक्टिव केस। चलिए इसे हम लोग और भी एग्जांपल के द्वारा देखते हैं। यू गिव अ रूपी टू द मैन टोल्ड अस अ स्टोरी। अब दो एग्जांपल देखिए। अब इसमें देखिए, बताइए हमारे को कौन आपका नॉमिनेटिव में है, कौन एक्यूसेटिव में और कौन डेटिव में है। दोनों सेंटेंस को देखिए और देखकर मेरे को बताइए, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, यू क्या है, नॉमिनेटिव है। क्यों है, क्योंकि गिव के पहले। अच्छा, ये हो गया यू नॉमिनेटिव केस में, वेरी गुड। और इसमें नॉमिनेटिव केस कौन सा है, द मैन, वेरी गुड। क्यों, क्योंकि वर्ब के पहले है। अच्छा, वर्ब हमारा कौन सा है, टोल्ड इसमें, और इसमें हमारा वर्ब कौन सा है, अरूपी, नहीं सॉरी अरूपी नहीं है, गिव। गिव हमारा क्या है, वर्ब है, वेरी गुड। वर्ब मीन्स देना, गिव हो गया। अब हमें बताना है, यू गिव अ रूपी टू द मैन। यहाँ पर एक हमारे को ए रूपी ऑब्जेक्ट है, दूसरा द मैन ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टोल्ड हमारा ऑब्जेक्ट है और दूसरा, सॉरी टोल्ड हमारा वर्ब है। यहाँ पर हमारा एक अस ऑब्जेक्ट है और दूसरा अ स्टोरी ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट है। आप देख रहे हैं कि हमारे को दो ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट सेंटेंस में ए रूपी और द मैन, दो ऑब्जेक्ट। सेकंड सेंटेंस है जो एफ सेंटेंस है, इसमें हमारे को एक अस एक ऑब्जेक्ट और अ स्टोरी दूसरा ऑब्जेक्ट, देख रहे हैं ना, ये दो ऑब्जेक्ट है। अब सवाल उठता है, ये दोनों हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, ये वन और टू ये ऑब्जेक्टिव केस में है और ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव केस में है, अस और ए स्टोरी। अब कौन एक्यूसेटिव है और कौन डेटिव है, अब हमारे को ये बताना है कि कौन जो है वो एक्यूसेटिव ऑब्जेक्टिव केस है और कौन जो है वह डेटिव ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो इसका सवाल ये कैसे पता चलता है, व्हाट से, हम लोग व्हाट करेंगे। तो हम लोग सवाल करते हैं, व्हाट गिव, हमने पूछा व्हाट गिव, तो जवाब आया क्या, अ रूपी, अ रूपी, रुपया दिया है ना, अ रूपी। तो अ रूपी डायरेक्ट हो गया, अ रूपी क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, इसलिए अ रूपी हमारा एक्यूसेटिव ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और बच गया क्या, द मैन, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, तो द मैन हमारा हो गया डेटिव ऑब्जेक्टिव केस। अब एफ एग्जांपल देखिए, द मैन टोल्ड अस ए स्टोरी, हम पूछते हैं व्हाट टोल्ड, क्या कहा, तो जवाब है ए स्टोरी। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, स्टोरी डायरेक्ट हो गया, तो डायरेक्ट हो गया तो क्या हो गया, एक्विजिटिव ए स्टोरी। ए स्टोरी हमारा क्या हो गया, एक्विजिटिव ए स्टोरी, और जो बच गया क्या बचा, अस, अस बच गया, यानी अस हमारा इनडायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया ये, तो अस हो गया हमारा डेटिव ऑब्जेक्टिव केस में। तो आप देखें कि हम लोग एक्यूसेटिव और डेटिव पहचानने का तरीका। दूसरी एक चीज और एक बहुत ध्यान देने की चीज है कि आप यहाँ इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं गिव वर्ब है और टोल्ड वर्ब है ना, और यहाँ पर ए रूपी क्या है, एक्यूसेटिव है ना, और टोल्ड अस स्टोरी, और इसमें देखिए यहाँ पर ये एक्यूसेटिव है,
क्लियर। और अस हमारा क्या है, डेटिव है, और यहां पर ये डेटिव है, क्लियर। और टू यहां पर क्या है, प्रीपोजिशन है। और इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। तीसरा हमारा है पोजेसिव या जेनेसिव केस। थर्ड हमारा केस है कौन सा, पोजेसिव या जेनेसिव केस। अब ये स्वामित्व और अधिकार को बताने वाला केस है। जो शब्द अधिकार या स्वामित्व बतलाए वह पोजेसिव केस या जेनेसिव केस में है। साधारणतः पोजेसिव केस को एपोस्ट्रोफे एस द्वारा बनाया जाता है। किसी चीज पर स्वामित्व दिखाना है या अधिकार दिखाना है तो उसके लिए एक केस रखा गया है, पोजेसिव केस या जेनेसिव केस। और पोजेसिव केस को हम लोग एपोस्ट्रोफे एस के द्वारा दिखाते हैं। एपोस्ट्रोफे ऐसे होता है और उसके बाद एस लिखते हैं, एपोस्ट्रोफे एस, है ना, एपोस्ट्रोफे एस। अब जैसे हमें बोलना है राम की कलम, राम की कलम, तो इसकी इंग्लिश क्या, राम की कलम, देखते हैं राम का अधिकार है कलम पर, तो राम की कलम स्वामित्व दिखा रहे हैं, तो क्या होगा इसका इंग्लिश, राम्स पेन, राम की कलम, राम्स पेन। सोहन का किताब, सोहन का किताब, देख रहे हैं एपोस्ट्रोफे एस के द्वारा, सोहन का किताब, का के जगह पर एपोस्ट्रोफे एस इंग्लिश में होता है सोहंस, पढ़ेंगे सोहंस, है ना, एपोस्ट्रोफे एस लिखेंगे सोहंस बुक। कुत्ता की पूंछ, कुत्ता की पूंछ, तो क्या इंग्लिश होगा बताइए, डॉग्स टेल, वेरी गुड, डॉग्स टेल। इस तरह से हम लोग एपोस्ट्रोफे एस का यूज करते हैं। अब निम्नलिखित क्षेत्रों में एपोस्ट्रोफे एस के इस्तेमाल पर ध्यान रखना चाहिए। एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल कहां करते हैं और कहां नहीं कर सकते हैं वो हम लोग देख रहे हैं। तो हमने तो अभी देखा, इनेनिमेट ऑब्जेक्ट्स, निर्जीव वस्तुओं के साथ साधारणतः एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल नहीं होता है। उस हालत में अधिकार या स्वामित्व अर्थात का बोध कराने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। इनेनिमेट ऑब्जेक्ट्स, इनेनिमेट ऑब्जेक्ट्स मीनिंग हो गया निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु के लिए एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। एपोस्ट्रोफे एस का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ सजीव वस्तुओं के लिए होता है, जीवित वस्तुओं के लिए। निर्जीव वस्तुओं, इनेनिमेट ऑब्जेक्ट्स में इनका उपयोग वर्जित है एपोस्ट्रोफे एस का। इनेनिमेट ऑब्जेक्ट्स में हम लोग स्वामित्व को दिखाने के लिए, अधिकार को दिखाने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। प्रीपोजिशन किसका, ऑफ का। जैसे कि हमें कहना हो घर का छत, है ना, जैसे घर का छत, तो बताइए घर का छत का अंग्रेजी क्या होगा, द हाउसेज, एच ओ यू एस ई, हाउसेज रूफ, आर डबल ओ एफ रूफ, सही है नहीं, यह गलत है, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हाउस जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या होगा ये गलत है, तो सही क्या होगा, सही होगा द रूफ ऑफ द हाउस, क्या होगा द रूफ, है ना, द रूफ, छत ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस। देखिए इंग्लिश में इसका जब बनाएंगे तो पहले छत का अंग्रेजी लिखेंगे द रूफ, उसके बाद ऑफ द हाउस, फिर घर का हो गया द रूफ ऑफ द हाउस। अब उसी तरह से देखिए कहते हैं झोपड़ी का दरवाजा, झोपड़ी, झोपड़ी का दरवाजा, है ना, झोपड़ी का दरवाजा, तो अंग्रेजी क्या लिखता है एक लड़का, द
कॉटेज डोर, सही है? बताइए तो जरा मेरे को, द कॉटेज डोर सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि कॉटेज जो है वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है, तो क्या होगा, पहले हम लोग किसका अंग्रेजी लिखेंगे, पहले दरवाजा लिखेंगे, द डोर ऑफ द कॉटेज, क्या होगा, द डोर ऑफ द कॉटेज, क्लियर? पहले दरवाजा का अंग्रेजी लिखे द डोर, उसके बाद लिखे ऑफ द कॉटेज, झोपड़ी का, झोपड़ी का के लिए अंग्रेजी क्या लिख दिया, ऑफ द कॉटेज, ये सही है, क्लियर? उसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं बगीचे का फल, देखिए हम बोलते हैं बगीचे का फल, अब इसका अंग्रेजी आप बताइए, बगीचे का फल, तो बोलता है द गार्डन्स फ्रूट। अरे भैया बार बार बता रहे हैं कि ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स है, बगीचा क्या है, निर्जीव वस्तु है, इसके साथ एपोस्ट्रोफ एस नहीं लगेगा, तो ये गलत है। तो क्या होगा, पहले फल का अंग्रेजी लिखाएगा द फ्रूट, द फ्रूट, एफ आर यू आई टी, फ्रूट ऑफ द गार्डन, द फ्रूट ऑफ द गार्डन, ये सही है, द फ्रूट ऑफ द गार्डन। इस प्रकार से हम लोग निर्जीव वस्तु अगर रहे, जैसे कि निर्जीव वस्तु हो गया आपका टेबल, लेग, है ना, द लेग्स ऑफ द टेबल हम लोग बोलते हैं ना, द लेग्स ऑफ द टेबल, तो आपको निर्जीव वस्तु के लिए घर, झोपड़ी, बगीचे, इन सब चीजों के लिए किसका उपयोग करना है, ऑफ का, और सजीव वस्तु में एपोस्ट्रोफ एस लगता है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान देंगे, लेकिन नाप, तौल, दूरी इत्यादि दिखाने के लिए हम निर्जीव वस्तुओं में भी एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, जैसे बोट्स लेंथ, नाव की लंबाई, ए हैंड्स ब्रेथ, हाथ की चौड़ाई, ए हेयर्स ब्रेथ, बाल की चौड़ाई, ए स्टोन्स थ्रो अवे, पत्थर को फेंकने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी। लेकिन अगर हमें नाप दिखाना हो, तौल दिखाना हो, दूरी, इन सब को दिखाने के लिए, ध्यान देंगे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आता है, नाप, तौल, दूरी, इनको यदि दिखाना हो, तो वहां पर हम लोग निर्जीव वस्तु इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं। जैसे हमें बताना है नाव की लंबाई, तो हम लोग लिख सकते हैं बोट्स लेंथ, ठीक है, किस चीज को दिखा रहा है, लंबाई को, बोट्स लेंथ, हैंड्स ब्रेथ, हाथ की चौड़ाई नापा जा सकता है, हेयर्स ब्रेथ, बाल की चौड़ाई भी नापी जा सकती है, ये चौड़ाई को दिखा रहा है नापने के लिए, ए स्टोन थ्रोन अवे, पत्थर को फेंकने पर उसके द्वारा तय की गई दूरी, यहां पर आप एपोस्ट्रोफ एस लगा सकते हैं, इस चीज को ध्यान देंगे। अब देखिए हमें नाप दिखाना है, तौल दिखाना है, दूरी दिखाना है, तो हम लोग एपोस्ट्रोफ एस लगा लिए, जैसे क्या लिखे, ए बोट्स लेंथ, ए बोट्स लेंथ, है ना, तो यहाँ लेंथ लग गया, यानी नाप, नाव की लंबाई के दर्शक के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए एपोस्ट्रोफ एस लग गया। अब एक लड़का लिखता है द बुक्स पेजेज, क्या ये सही है, द बुक्स पेजेज, किताब के पन्ने, तो ये तो नाप नहीं बता रहा है, ये तौल भी नहीं बता रहा है, ये दूरी भी नहीं बता रहा है, इसलिए ये गलत है। सही क्या होगा, द पेजेज ऑफ द बुक, ये सही है। एक लड़का लिखता है, इतना जब पढ़ लिया तो बोलता है क्या, अच्छा ठीक है, द बुक्स थिकनेस, क्या यह सही है, जी हाँ ये सही है। तो सर ये तो निगेटिव, ये तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, निर्जीव वस्तु है, लेकिन फिर भी सही है, क्यों, क्योंकि ये किताब की मोटाई के बारे में बता रहा है, जो कि नापा जा सकता है इंच से, इसलिए ये सही है। यानी ध्यान देंगे
नाप, तौल और दूरी, ये तीन चीज यदि निगेट इनेनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा हो तो वहां पर आप एपोस्ट्रोफेस लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ महान वस्तुओं डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स में भी एपोस्ट्रोफेस लगाया जा सकता है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा महान वस्तु डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स ये कौन है। जैसे देखिए महान वस्तु है कोर्ट, COURT कोर्ट, कोर्ट का बहुत महत्व है हमारे यहाँ। सन, सूर्य, मून, नेचर, ये सब महान वस्तु है, भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। लॉ, ट्रूथ, है ना, ये सब भगवान तुल्य है। माइंड, ओशियन, रिवर, कंट्री, ये सब महान वस्तु है, इनका बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए इनका साथ, इनके साथ कभी कभी कहीं कहीं बहुत सारे जगह या पोएम में आपको एपोस्ट्रोफेस लगा सकते हैं। जैसे हम लोग लिखते हैं द कोर्ट्स डिक्री, द कोर्ट्स डिक्री, क्या लिख सकते हैं द सन्स रे, द सन्स रे, सूर्य की किरणें, द मून्स क्रिसेंट, द मून्स क्रिसेंट, ये सब सही है, महान वस्तु है, इन सब के साथ एपोस्ट्रोफेस का प्रयोग किया जा सकता है। और बोल सकते हैं नेचर्स वर्क, नेचर्स वर्क, और भी हम लोग बोल सकते हैं लॉज हैंड्स, उसी तरह से हम लोग कह सकते हैं ट्रुथ्स ट्रायंफ, माइंड्स आई, ओशियंस रोवर, देख रहे हैं महान वस्तुओं के साथ हम लोग स्वामित्व को दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफेस लगा सकते हैं। रिवर्स बैंक, नदी के किनारे, कंट्रीज गुड्स, तो इस प्रकार से जो महान वस्तुएं हैं उनके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफेस का प्रयोग कर सकते हैं। और प्रीपोजिशन ऑफ का अर्थ हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, का, जिसका प्रयोग हम किसी के लिए भी कर सकते हैं, सजीव हो या निर्जीव। और जो प्रीपोजिशन जो है ऑफ, जिसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये जो ऑफ है इसका, ऑफ का प्रयोग हम लोग स्वामित्व दिखाने के लिए करते हैं, और इसका प्रयोग हम लोग सजीव के साथ भी कर सकते हैं और निर्जीव के साथ भी कर सकते हैं। क्लियर है, ऑफ का प्रयोग हम लोग सजीव के साथ भी कर सकते हैं और निर्जीव के साथ भी, लेकिन एपोस्ट्रोफेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सजीव के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, नहीं तो महान वस्तु और डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स के लिए, नहीं तो नाप तौल दूरी दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफेस का प्रयोग किया जाता है। और हम जानते हैं कि एपोस्ट्रोफेस का अर्थ है का, सिंगुलर नाउन के अंत में एपोस्ट्रोफेस लगाकर हम स्वामित्व का बोध कराते हैं, लेकिन नाउन अगर प्लुरल में रहे और उसके अंत में एस रहे तो उसमें एपोस्ट्रोफेस नहीं लगाकर सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाते हैं। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है, एपोस्ट्रोफेस का अर्थ क्या होता है का, सिंगुलर से प्लुरल बनाते हैं तो सिंगुलर नाउन के अंत में क्या लगाते हैं एपोस्ट्रोफे एस, लेकिन नाउन
अगर पुलरल में रहे और उसके अंत में एस रहे तो उसमें हम लोग एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाकर सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगाते हैं। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं हॉर्सेज, एच ओ आर एस ई एपोस्ट्रोफे एस, हॉर्सेज टेल, इसका मतलब क्या हो गया? एक घोड़ा का पूंछ, एक घोड़ा का पूंछ। लेकिन हमें बोलना हो घोड़ों के पूंछे, है ना, घोड़ों की पूंछे अगर बोलना हो तो घोड़ा का हॉर्स होता है सिंगुलर और घोड़ा का प्लुरल क्या होता है? हॉर्सेज, एच ओ आर एस ई एस, हॉर्सेज। और हॉर्सेज मीन्स होता है घोड़े, घोड़ों, है ना, बहुत सारे घोड़ों का इंग्लिश क्या होता है? हॉर्सेज। तो यहां आप देख रहे हैं लास्ट में क्या है? एस है, लास्ट में क्या है? एस है। तो यहां पर सिर्फ हम लोग एपोस्ट्रोफे लगाएंगे, इसके बाद एस लिखने की जरूरत नहीं है और इसके बाद लिखेंगे टेल्स, हॉर्सेज टेल्स, यानी हो गया घोड़ों का की पूछे। क्लियर, घोड़ों की पूछे, यानी अगर लास्ट में एस हो ठीक है तो हम लोग सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगा देंगे और हमारा काम हो जाएगा, यानी मुझे एपोस्ट्रोफे एस लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब उसी प्रकार देखिए हम लोग बोलते हैं बॉयज बॉल, बॉयज बॉल, तो बी ओ बॉय, बॉय सिंगुलर है, इसका मीनिंग क्या हो गया? एक लड़का का गेंद, एक लड़का का गेंद। अगर हमें बोलना है लड़कों के गेंदे, है ना, बहुत सारे लड़कों का गेंद, या बोलना हो बहुत सारे लड़कों का गेंद, लड़कों का गेंद, एक लड़का का गेंद नहीं, लड़कों का गेंद, पैसा मिला करके गेंद खरीदा है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? लड़कों का अंग्रेजी होता है बॉयज, बॉयज सिंगुलर का प्लुरल क्या होता है? बॉयज। तो इसके बाद सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगेगा और लिखा जाएगा बॉयज बॉल, लड़कों का गेंद, ठीक है। आप देखेंगे लड़कियों का स्कूल, लड़कियों का स्कूल, इसका इंग्लिश लिखा रहता है क्या? गर्ल्स, जी आई आर एल एस, ये है प्लुरल, गर्ल का प्लुरल क्या होता है? गर्ल का प्लुरल होता है गर्ल्स, और लास्ट में लगेगा एपोस्ट्रोफे, गर्ल्स स्कूल। क्लियर, गर्ल्स स्कूल, इसका मीनिंग हो गया लड़कियों का स्कूल। और अगर हम लोग बोल दे गर्ल एपोस्ट्रोफे एस, तो इसका मतलब क्या हो गया? एक लड़की का स्कूल, इसका मतलब क्या हो गया? एक लड़की का स्कूल, तो एक लड़की का स्कूल नहीं ना होता है, लड़कियों का स्कूल होता है, तो होता है गर्ल्स, लास्ट में एपोस्ट्रोफे, फिर स्कूल, गर्ल्स स्कूल। अब हमें बोलना है वुमेन्स कॉलेज, तो क्या होगा? डब्ल्यू ओ एम ई एन, वुमेन होता है ना, वुमेन्स कॉलेज, तो लास्ट में एपोस्ट्रोफे एस होगा, क्यों? क्योंकि लास्ट में एस नहीं है, तो वुमेन्स कॉलेज। क्लियर, तो इस प्रकार से हम लोग एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग करते हैं। अब ध्यान दीजिए, यदि किसी शब्द के अंत में एस या सीई रहे और उसके बाद सेक रहे तो उसमें एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगता है बल्कि सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगता है। अब ये भी ध्यान देने का है कि कोई शब्द के अंत में एस या सीई रहे और उसके बाद सेक रहे तो वहां एपोस्ट्रोफे एस नहीं लगता है, सिर्फ एपोस्ट्रोफे लगता है। जैसे देखिए हम लोग बोलते हैं गुडनेस सेक, अच्छाई की खातिर, जी डबल ओ डी एन ई डबल एस, गुडनेस, ठीक है, गुडनेस मीन्स होता है अच्छाई, एपोस्ट्रोफे सेक, गुडनेस सेक, अच्छाई की खातिर। क्लियर, उसी प्रकार हम लोग बोलते हैं जस्टिस सेक, देख रहे हैं लास्ट में एस है, जस्टिस सेक, जे यू एस टी आई सी, जस्टिस मतलब होता है न्याय,
अब यहाँ लास्ट में देखिए क्या है, सीई, मैंने बोला ना एस या सीई रहे, तो जस्टिस के बाद सिर्फ क्या होगा, एपोस्ट्रोफी होगा और लिखेंगे सेक, जस्टिस सेक, क्या होगा, न्याय की खातिर। क्लियर है? उसी तरह से हम लोग बोलते हैं कॉन्सेस सेक, सी ओ एन एस सी आई ई एन सी ई, कॉन्सेस अपोस्ट्रोफ है, सेक, कॉन्सेस सेक मतलब हो गया विवेक की खातिर, विवेक की खातिर। तो आप देख रहे हैं ना एपोस्ट्रोफे का प्रयोग कहाँ होता है ना, लास्ट में सी है या एस रहे और उसके बाद सेक रहे, तो वहां भी हम लोग उसके बाद ही एपोस्ट्रोफे का प्रयोग करते हैं। अगर हमें लिखना है हेवन सेक, स्वर्ग की खातिर, तो एच ई ए वी ई एन, हेवन मतलब होता है स्वर्ग, तो यहाँ लास्ट में तो एस या सी ई नहीं है, तो क्या लिखेंगे, एपोस्ट्रोफ एस, हेवन सेक, क्योंकि हेवन जो है ना डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स है, हेवन सेक स्वर्ग की खातिर। गॉड सेक बोलते हैं ना भगवान की खातिर, जी ओ डी एपोस्ट्रोफ एस, गॉड सेक भगवान की खातिर। और किसी यौगिक शब्द के अंत वाले शब्द में एपोस्ट्रोफेस लगता है, बीच में नहीं, और कोई यौगिक शब्द है, कंपाउंड वर्ड्स है, तो वहां जो लास्ट वाला वर्ड होगा उसके अंत में एपोस्ट्रोफेस लगता है, बीच वाले में नहीं। जैसे हमें लिखना है यौगिक शब्द, हम लिखते हैं कि यहां पर देखिए द नवाब ऑफ, द नवाब ऑफ पटनाज, ETN पटनाज हाउस। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये यौगिक शब्द है और इसमें हम नवाब के बाद एपोस्ट्रोफेस का प्रयोग नहीं किए हैं, लास्ट वाला जो वर्ड है पटना, यौगिक शब्द क्या, नवाब ऑफ पटना, लास्ट वाला ये वर्ड हो गया, इसमें हम लोग एपोस्ट्रोफेस लगाते हैं, द नवाब ऑफ पटनाज हाउस। उसी तरह से नेक्स्ट वर्ड देखिए, द महाराजा ऑफ द महाराजा ऑफ, अभी ऑफ तक एपोस्ट्रोफेस नहीं लगेगा, इसके बाद वाला जो होगा ना, ऑफ के बाद का जो वर्ड होगा ना उसमें लगेगा, दरभंगाज, दरभंगाज एपोस्ट्रोफिक, ऑफ के बाद वाले जो वर्ड है दरभंगा उसमें लगेगा एपोस्ट्रोफेस, द महाराजा ऑफ दरभंगाज पैलेस। उसी तरह से माई फादर इन लॉज बुक, माई फादर इन लॉज बुक है ना, फादर में नहीं, लास्ट में लॉज में जाकर के, क्लियर है? उसी तरह से श्री श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ इंडियाज स्पीच, इंडियाज स्पीच। तो आप यहां देख रहे हैं ना, हम जो एपोस्ट्रोफेस दे रहे हैं वो ऑफ के बाद वाले वर्ड में है ना, ऑफ के पहले वाला वर्ड जो प्राइम मिनिस्टर है उसमें एपोस्ट्रोफेस नहीं लगेगा, ऑफ के बाद वाला जो वर्ड है इंडिया उसमें लगेगा, क्लियर? यानी कोई आदमी लिखता है द नवाब्स, द नवाब्स ऑफ
पटना हाउस, तो क्या ये सही है बताइए? तो गलत है ना? वेरी गुड, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये ऑफ के पहले वाला वर्ड में apostrophe s लगाया हुआ है, तो यौगिक शब्द में ऑफ के बाद वाले वर्ड में apostrophe s लगता है, देख रहे हैं ना, ऑफ के बाद। तो यहां आपने सीखा पॉजेसिव केस का प्रयोग करना, और इस प्रकार से आप लोगों का केस फॉर कंपटीशन कंप्लीट हुआ। धन्यवाद, थैंक यू।